व्यूअर्स जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस मशीन जो ब्लैक होल क्रिएट करती थी, बट क्या हो वो मशीन गलत हाथों में चले जाए। कहानी की शुरुआत में हमें उस एडवांस सिविलाइजेशन को दिखाया जाता है जब इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे, पर लगातार आगे बढ़ने के साथ साथ सभी कंट्रीज में मुठभेड़ चालू हो गई थी, जिससे कि इंसान एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं। और अब तो वर्ल्ड वॉर 3 भी चालू हो गया था। लगने ही रहा था कि अर्थ पर मौजूद सारी ह्यूमंस बच भी पाएंगे, तभी अचानक अंतरिक्ष में से वल्कन्स नाम की एक प्रजाति आ जाती है जो टेक्नोलॉजी के मामले में इंसानों से भी आगे थी। वल्कन्स प्रजाति वालों ने इंसानों की मदद की और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जिससे कि अब अर्थ डिस्ट्रॉय होने से बच गया था। अब यहाँ पूरे 10 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जो स्पेस में अलग अलग प्लैनेट पर रहने वाले एलियंस को डिस्कवर करते थे। अब हमें एक बहुत ही एडवांस स्टार फ्लीट नाम की स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकती थी। अब यहाँ स्टार फ्लीट के कैप्टन को एक खबर मिली थी कि दूर कहीं स्पेस में एक बहुत ही बड़ी लाइटनिंग देखने मिली है, इसीलिए स्टार फ्लीट की पूरी टीम उस जगह का पता लगाने के लिए चली गई थी। उस लाइटनिंग को थोड़ी देर तक गौर करने के बाद उसके अंदर से अचानक एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप बाहर निकलने लगी थी। ये स्पेसशिप रोमिलोंस प्रजाति की होती है जो दूसरों को मार कर उनके प्लैनेट पर कब्जा करते थे। स्टार फ्लीट के सारे मेंबर्स एकदम से शॉक हो गए थे और अब वो सब इस बात से काफी डरने लगते हैं। तभी उनके स्क्रीन पर रोमिलोंस के लीडर का मैसेज आता है जो कह रहा था कि उन्हें तुम्हारे कैप्टन से जल्द बात करनी है। कैप्टन बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था और अब उसने तो अपने एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट को नया कैप्टन बना दिया था। रोमिलोंस के स्पेसशिप पर जाने के बाद उनका लीडर कैप्टन से अलग अलग सवाल पूछ रहा था, लेकिन ये सारे सवालों के जवाब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थे, इसीलिए कैप्टन कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए रोमिलोंस के लीडर ने कैप्टन को जान से मार दिया था और अब रोमिलोंस के स्पेसशिप ने तो स्टार फ्लीट के शिप पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि इंसानों को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। पर अब जो स्टूडेंट नया कैप्टन बना था वो कैसी भी यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बचाना चाहता था। उन सभी लोगों में उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी मौजूद थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द स्पेसशिप पर मौजूद सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन स्पेसशिप में खराबी आने की वजह से किसी को एंड तक स्पेसशिप में ही रुककर उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये काम कैप्टन खुद करने का डिसाइड करता है। इन सारी चीजों के बीच कैप्टन की वाइफ का बेटा हो चुका था, वो उसे बड़े गर्व के साथ जेम्स नाम देता है। जब सभी लोग शिप से बाहर चले गए थे तब कैप्टन लगातार शिप को लेकर रोमिलोंस के बहुत ही बड़े स्पेसशिप से भिड़ा देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और रोमिलोंस का स्पेसशिप जिस ब्लैक होल से यहाँ पर आया हुआ होता है वो उसी के अंदर चला गया था। यानी कि कैप्टन ने अपनी जान कुर्बान करके कई लोगों की जानें बचा ली थी। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। यहाँ हमें स्पोक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो वल्कन्स की प्रजाति से बिलोंग करता था। स्पोक का दिमाग बाकी इंसानों से काफी ज्यादा तेज होता है, इसीलिए जब वो अर्थ पर मौजूद नेशनल स्टार फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने गया तब स्पोक के कैप्टन को देखकर उसे अपनी एक टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। स्पोक लगातार काफी अच्छा परफॉर्म करते ही जा रहा था। अब हमें जेम्स दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो चुका था। हालांकि उसके फादर ने इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन जेम्स अपने फादर जैसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ वो बहुत ही ज्यादा बहादुर था, लेकिन वो अपनी बहादुरी सही जगह पर यूज नहीं करता। अब एक दिन जनरल माइक जेम्स के पास एक बार में आते हैं। माइक जेम्स को उसके फादर के बारे में बता रहे थे कि वो कितने महान थे। वो तो सिर्फ 10 मिनट के लिए कैप्टन बने थे, लेकिन उन्होंने कई हजारों लोगों की जान बचाई थी। इसीलिए अब जनरल माइक जेम्स को कह रहे थे कि वो स्टारफ्लीट आकर ज्वाइन कर ले। जेम्स इस बात को कुछ टाइम तक सोचने के बाद हाँ कर देता है और अब जेम्स भी स्टारफ्लीट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गया था। जेम्स की कई महीनों तक ट्रेनिंग चलती है, पर अब एक ऐसा दिन आ गया था जहाँ पर स्टारफ्लीट के सारे सोल्जर्स को एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क करना था जिसे आज तक कोई भी कर नहीं पाया। पर बाकी लोगों के साथ जब जेम्स वो चैलेंज ट्राई करता है तब उसने बिना टेंशन लिए बहुत ही कम टाइम में वो टास्क कम्प्लीट कर लिया था। सारे लोग जेम्स की इस परफॉर्मेंस को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। हालांकि जेम्स ने बिना कुछ टेंशन लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया होता है, पर अब यहाँ स्पोक भरी सभा के सामने ये मुद्दा उठा रहा था कि इन सारी चैलेंजेस को इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। घबराना और डरना इंसानों की फितरत में है, लेकिन जेम्स तो टास्क करते टाइम जरा भी नहीं डरा था। यानी कि जेम्स आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है। कमिटी वालों को स्पोक की बात थोड़ी सही लग रही थी, इसीलिए उन लोगों ने जेम्स को स्टारफ्लीट से निकाल दिया था। बेचारा जेम्स इसमें कुछ कर भी नहीं पाता, वो तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जाने वाला होता है।
तभी अचानक ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी अलर्ट हुआ जो बता रहे थे कि वल्कन्स के प्लैनेट के सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल जनरेट हुआ है। हालांकि शुरुआत में ब्लैक होल की बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, पर तभी भी स्टार फ्लीट की एक बहुत ही बड़ी टीम स्पेस स्टेशन की तरफ निकल पड़ी थी। जेम्स के एक दोस्त ने बहाना बनाकर जेम्स को भी इस मिशन में शामिल कर लिया था। अभी के लिए जेम्स थोड़ा अच्छा फील करता है। उस पूरे टीम का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि कैप्टन माइक थे और अब उन्हें अंतरिक्ष में हुई सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करना था। जेम्स जब उस ब्लैक होल के बारे में कुछ स्टडी करता है तब उसे पता चला कि सेम इसी टाइप का ब्लैक होल कई सालों पहले भी ओपन हुआ था और उसके अंदर से तो रोमिलोंस का स्पेसशिप निकला था। जेम्स ये सारी बातें तुरंत जाकर कैप्टन माइक और अपनी पूरी टीम को बताता है। हालांकि सभी लोग जेम्स को एक पागल कह रहे थे, पर कुछ ही घंटों में ये सारी बातें सच भी हो जाती हैं। रोमिलोंस का स्पेसशिप इतने सालों बाद फिर से वापस आ गया था, लेकिन इस बार बिना तबाही मचाए रोमिलोंस का लीडर जो था वो स्टारफ्लीट के मॉनिटर्स पर मैसेज भेजता है कि वो स्पोक से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, पर सबसे पहले कैप्टन माइक को उनके स्पेसशिप पर आना पड़ेगा। कैप्टन माइक समझ गए थे कि रोमिलोंस का लीडर वही करना चाहता है जो उसने कई सालों पहले किया था, लेकिन अब कैप्टन माइक को रोमिलोंस के इस ऑर्डर को फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि रोमिलोंस के लीडर ने उनकी पूरे ट्रांसमिशन डिवाइस को ठप्प कर दिया होता है। कैप्टन माइक जाते जाते स्पोक को अपनी नई टीम का कैप्टन बना देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जेम्स और दो सोल्जर्स को उस जगह पर जाने के लिए कह दिया था जहां पर रोमिलोंस का लीडर वल्कन प्लैनेट पर लगातार ड्रिल कर रहा था। दरअसल रोमिलोंस के लीडर का ये प्लान था कि वो वल्कन प्लैनेट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, इसीलिए सबसे पहले वो वल्कन प्लैनेट के अंदर कुछ छेद कर रहा था और फिर अपनी एक बहुत ही एडवांस डिवाइस जो ब्लैक होल क्रिएट कर सकती थी उसे वल्कन प्लैनेट के गड्ढे में छोड़ देगा, जिससे कि ब्लैक होल क्रिएट होने की वजह से पूरा वल्कन प्लैनेट चुटकियों में डिस्ट्रॉय हो सकता था। कैप्टन माइक रोमिलोंस के स्पेसशिप पर चले गए थे। वहीं जेम्स अपने दो साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वल्कन प्लैनेट के अंदर ड्रिलिंग की जा रही थी। रोमिलोंस के लोग लगातार जेम्स और उसके दोस्तों को मारते जा रहे थे। हालांकि जेम्स का एक फ्रेंड अपनी जान गवा बैठता है, लेकिन जेम्स ने कैसे भी करके उस ड्रिलिंग मशीन को बंद कर दिया था। इसके बाद जेम्स तुरंत अपने गिरते हुए एक साथी को बचाने के लिए चला जाता है और अब यहां पर स्टारफ्लीट के मेंबर्स को जल्द से जल्द जेम्स और उनके एक साथी को टेलीपोर्ट करना होगा अपने स्पेसशिप में, और उनकी टीम ये काम करने में कामयाब भी हो गई थी। जेम्स और उसका दोस्त जमीन पर गिरने से पहले स्टारफ्लीट में पहुंच गए थे, पर अब जेम्स लगातार ये कहने लगा था कि उन्हें रोमिलोंस के स्पेसशिप पर जाकर कैप्टन माइक की जान बचानी चाहिए। लेकिन स्पोक जेम्स की बात से सहमत नहीं होता। स्पोक तो उल्टा ये कह रहा था कि हम एक नॉर्मल इंसान के बदले स्पेसशिप में मौजूद सभी इंसानों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। इन्हीं सारी बातों की वजह से स्पोक और जेम्स के बीच झगड़ा भी हो जाता है। स्पोक जो कि इस पूरे स्पेसशिप का कैप्टन था वो जेम्स को सजा देने के लिए एक क्यूब में बंद करके अनजान प्लैनेट पर छोड़ देता है। जेम्स तो एक बर्फीले इलाके में पहुंच गया था, पर जैसे ही वो बाहर निकला उसके ऊपर एक खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया होता है। जेम्स तो कैसे भी अपनी जान बचाकर लगातार भागते ही जा रहा था, और अगर वो क्रिएचर उसे पकड़ लेगा ना तब वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब जेम्स भागते भागते एक बहुत ही बड़ी गुफा में पहुंच जाता है जहां पर एक अनजान आदमी आग के शोले की मदद से उस क्रिएचर को वहां से भगा देता है। जेम्स ने जब उस आदमी को देखा तब पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्पोक ही है, लेकिन वो फ्यूचर से आया है। शुरुआत में जेम्स को इन सारी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब फ्यूचर वाले स्पोक ने उसे सारी सच्चाई बताई तब जेम्स भरोसा करने लगा था। दरअसल फ्यूचर वाले स्पोक के टाइमलाइन में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल ब्लास्ट होने वाला था, और अगर ये ब्लास्ट हो गया तब गैलेक्सी के बहुत सारे प्लैनेट एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जीवन का नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्पोक ने कई महीनों के रिसर्च के बाद एक ऐसी मशीन बनाई थी जो ब्लैक होल क्रिएट कर सकती थी। स्पोक का ये प्लान था कि जब वहां पर ब्लास्ट होगा तब वो उसके सामने ब्लैक होल क्रिएट करके सारी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब करा देगा। स्पोक सेम टू सेम ऐसा ही करता है, लेकिन साथ ही साथ स्पोक ने रोमिलोंस के प्लैनेट से वादा किया था कि वो उनके प्लैनेट को कुछ भी नहीं होने देगा, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हालांकि वो धमाका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन उसके इफेक्ट से पूरा रोमिलोंस का प्लैनेट एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसीलिए तब से ही रोमिलोंस का लीडर स्पोक को बुरी तरीके से मारकर उसे तड़पाना चाहता था। रोमिलोंस के लीडर ने तो स्पोक से उसकी एडवांस मशीन भी छीन ली थी जो स्पेस में ब्लैक होल क्रिएट करती थी, और अब वो उसी मशीन का यूज करके वल्कन्स के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये सारी बातें सुनने के बाद जेम्स को भी एहसास हो गया था कि ये स्पोक का फ्यूचर वाला वर्जन है,
जेम्स बता रहा था कि प्रेजेंट टाइम के स्पोक को ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए जेम्स फ्यूचर वाले स्पोक को प्रेजेंट वाले स्पोक से बात कराना चाहता था ताकि दोनों ही अच्छे से समझ जाएं। लेकिन फ्यूचर वाला स्कोप ये कहता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इन सारी चीजों से टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए अब अगले ही मोमेंट में जेम्स टेलीपोर्ट होकर स्टारफ्लीट स्पेसशिप में वापस आ जाता है। कुछ देर बाद जेम्स स्पोक से ये कह रहा था कि वो अपने प्लेनेट को तो बचा नहीं पाएगा और वो एक बहुत ही बेकार कैप्टन है। स्पोक ये सारी बातें सुनकर जेम्स पर काफी गुस्सा हो चुका था। वो तो लगातार जेम्स को मारता ही जाता है लेकिन जेम्स ने स्पोक पर एक भी हाथ नहीं उठाया। कुछ देर बाद स्पोक को ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें रूल्स के अगेंस्ट हैं और उसने तो अपने टीम मेंबर्स पर हाथ उठाने का एक बहुत ही बड़ा रूल तोड़ा है, जिससे कि स्पोक अपनी कैप्टनसी छोड़ देता है और उसे जेम्स को संभालने दे देता है। सब कुछ अच्छे से रियलाइज होने के बाद स्पोक ने जेम्स के साथ मिलकर कैप्टन माइक को बचाने का प्लान बनाया था और अब वो दोनों रोमुलन्स के स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो गए थे। जेम्स और स्पोक लगातार कैप्टन माइक को ढूंढते रहते हैं। यहाँ स्पोक को ब्लैक होल क्रिएट करने वाली वो एडवांस मशीन मिल गई थी जो एक स्पेसशिप में मौजूद होता है, यानी कि रोमुलन्स का लीडर जल्द से जल्द इस मशीन को वल्कन प्लेनेट पर भेजने वाला था। वहाँ जेम्स के ऊपर रोमुलन्स के लीडर ने हमला कर दिया होता है। वो दोनों तो लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। वहीं स्पोक एक स्पेसशिप को लेकर भागने लगा था जिसके अंदर वो एडवांस मशीन मौजूद थी। रोमुलन्स के लीडर को जब ये बात पता चली तब वो जेम्स को फाइट में हराकर स्पोक का पीछा करने लगा था। स्पोक को ये बात पता थी कि अगर ये मशीन बच गई तब रोमुलन का लीडर वल्कन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए सबसे पहले स्पोक उस ड्रिलिंग मशीन को डिस्ट्रॉय करता है जो वल्कन प्लेनेट के अंदर खुदाई कर रही थी। वहाँ जेम्स ने कैप्टन माइक को ढूंढ लिया होता है और अब स्पोक सीधा अपनी स्पेसशिप को लेकर जिसके अंदर वो मशीन मौजूद थी वो रोमुलन्स के स्पेसशिप की तरफ लेकर बढ़ने लगता है। दरअसल उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में पहले ही प्लान बना लिया था। वहाँ स्टारफ्लीट में उनके पूरे सोल्जर्स रेडी होते हैं जेम्स, स्पोक और कैप्टन माइक को टेलीपोर्ट करने के लिए। स्पोक ने तो उस डिवाइस की मदद से एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था और अब तो उसने अपनी स्पेसशिप रोमुलन्स के स्पेसशिप से टकरा दी होती है। उन सबकी नसीब अच्छी थी कि ब्लास्ट होने से पहले वो तीनों स्टारफ्लीट में टेलीपोर्ट करा लिए गए थे और अब रोमुलन्स का स्पेसशिप हमेशा के लिए ब्लैक होल में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि जेम्स, स्पोक और पूरी टीम ने मिलकर ये मिशन एकदम से कंप्लीट कर लिया था। अर्थ पर आने के बाद जेम्स को कैप्टन बना दिया गया था और स्पोक को उसका फर्स्ट पर्सन। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।